बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन तंदूरी नगेज की रेसिपी, बिल्कुल इजी तरीके से। और इसे कैसे स्टोर करते हैं, कैसे फ्रीज करते हैं वो भी देख लेते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को पूरा देखिए। इसके लिए मैंने ली हुई थी 300 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन, या डिबिना की चिकन है। इसको मैं एक ग्राइंड जार में डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले डाल दूंगी। मैंने ली हुई थी 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च, और मैं लहसुन और अदरक का पाउडर ले लूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो उसे अदरक लहसुन को चॉप करके भी ले सकते हो। ये 1 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर और 1/2 टेबल स्पून अदरक का पाउडर है। और सॉल्ट मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालूँगी। और मैंने लिया हुआ है तंदूरी मसाला जो 2 टेबल स्पून के करीब है। आप चाहो वो फ्लेवर में बना सकते हो, मैं तंदूरी मसाले में बना रही हूँ इसे। सारे मसालों को मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ब्रेड। मैंने 3 ब्रेड ली हुई थी, ये फ्रेश ब्रेड है मेरी। मैंने तीनों ब्रेड को हाथों से तोड़ के इसमें डाल दिया था। उसके बाद मैं इसमें एक अंडा भी डाल दूँगी। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी चॉपर में। ये अच्छी तरीके से चॉप हो जाएंगे। जैसे ही ये चॉप हो गई थी, इसको मैंने निकाल लिया है। मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक की थैली ले ली हुई थी, इसको अच्छे से वॉश करके इसको पोंछ लिया था कपड़े से। और इसके ऊपर मैं तेल लगा दूंगी, अच्छी तरीके से तेल को चारों तरफ लगा दूंगी। उसके ऊपर मैं रख दूंगी नगेज का कीमा। सारे कीमे को मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं हाथों से अच्छी तरीके से इसको सेट कर लूंगी और स्क्वायर कर लूंगी। थोड़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में, पर माशाल्लाह से खाने में बहुत टेस्टी रहते हैं। और अभी मेहनत कर लोगे तो रमज़ान में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये चीज़ें जो मेहनत वाली थी वो रमज़ान के पहले ही बना के स्टोर कर ली है, कि मेरे बच्चों का जब भी दिल करेगा ना, वो भी रोज़े रखती है, तो उनका जब भी दिल करेगा इफ्तारी में उनको फ्राई करके सिर्फ मुझे दे देना है इन्हें। चलिए मैं इसको बेलन की मदद से हल्के हल्के हाथों से बेल लूँगी। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, सिर्फ अपने फिंगर्स की आधी इंच के मुताबिक इसे रखना है। अब मैं इसको चारों तरफ से कट लगा लूँगी, स्क्वायर शेप दे दूँगी इसे। और मुझे आप कमेंट में बताएं कि आपकी रमज़ान की तैयारी कैसी चल रही है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक हर बीमारी को दूर करे और रोज़दारों के रोज़े रखने में आसानी हो जाए और इनको हिम्मत दे। अच्छा जी, ये चारों तरफ से मैंने इसको स्क्वायर कट कर लिया है। मैंने रशियन कबाब की रेसिपी भी आपको दी थी जो मैंने स्टोर किए हुए हैं, पर मैं उसको फ्राई करके आपको नहीं बता सकी क्योंकि मैंने फ्राई किए ही नहीं। इंशाल्लाह मैं करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। और इसको तो मैं फ्राई करके आपको दिखा देती हूँ। अब आप चाहो छोटे बड़े जैसे चाहो इतने कट लगा लीजिए और वो सेब से इसे काट लीजिए। मैं सारे इस तरीके से काट लूँगी। हाथों से स्क्वायर शेप दे देते हैं तो वक्त लगता है, इसी तरीके से देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से बन जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं होती। फिर सारे मैंने कट लगा लिए हैं और जो साइड में से मैंने जो निकाला था उसको भी मैंने बेल के इसी तरीके से स्क्वायर कट कर लिया है। अच्छा जी, अब मैं इसकी कोटिंग करने के लिए मैदा ले लूँगी। ये मैंने 1/2 कटोरी मैदा लिया था, उसमें एक अंडा डाला था और सॉल्ट डाला था और थोड़ा सा पानी डाला था। सॉल्ट अपन थोड़ा सा डालना है, 1/2 टेबल स्पून के करीब।
और थोड़ा से पानी डालना है। पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, एक लई की तरह इसे बना लूँगी। इसकी कोटिंग बहुत अच्छी रहती है और टेस्ट भी बड़ी लगती है खाने में। आप इस तरीके से ज़रूर कोट कीजिए इसे। अच्छा जी, मैंने अच्छी तरीके से इसे फैट लिया था और एक प्लेट में मैंने मैदे को भी ले लिया है और एक प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स ली थी। ये मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिया हुआ है और एक प्लेट में मैंने मैदा भी ले लिया हुआ है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप ब्रेड को ग्राइंड में चॉप कर लीजिए तो ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे फ्रेश वाले। सबसे पहले मैं मैदे में इसे कोट कर लूँगी, उसके बाद मैंने जो मैदे की लई तैयार की हुई है अंडा और जो पानी के साथ, मैं उसमें कोट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी। ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद मैं वापस इसको लई में कोट कर लूँगी और वापस से ब्रेड क्रम्स में। बस इसी तरीके से आपको इसको कोट करके, सारे नगेट्स को कोट करके इसी तरीके से रख लेना है। और जब आप इसे फ्राई कीजिए तो मीडियम आंच पे ही कीजिए कि अंदर से भी ये बहुत अच्छी तरीके से पक जाते हैं। ये कोट हो चुके हैं, अब मैं सबको सेम इसी तरीके से कोट कर लूँगी और मैं इसको जिप लॉक बैग में इसे रख दूँगी। मुझे फ्रीज करने की इसे ज़रूर नहीं है तो मैं जिप लॉक बैग में सारे नगेज रख दूँगी और थोड़े आपको फ्राई करके भी दिखा दूँगी। एक महीने तक आपके नगेज ख़राब नहीं होंगे अगर आप रखना चाहो तो। ये रमज़ान में बड़ी आसानी हो जाती है कि इबादत करने का वक्त आपको मिल जाता है माशाल्लाह से। ये मेहनत वाले काम आप रमज़ान के पहले ही कर लीजिए। मैंने काफ़ी काम कर लिए है अल्लाह के करम से, मेरा सब कुछ हो चुका है, बस अब थोड़ा बहुत बनाना बाकी है। वो भी रेसिपी भी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। दो जिप लॉक बैग मेरी रेडी हो चुकी थी नगेट्स की, अब मैं थोड़े आपको फ्राई करके दिखा दूँगी। तेल की आंच को मैंने मीडियम रखा है, मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। आप चाहो तो सैलो फ्राई भी कर सकते हो। अब इस पे मैं एक एक करके नगेज डाल दूँगी। और गोल्डन होने तक इसको मैं पलटूंगी नहीं जब तक कि वो एक साइड से गोल्डन ना हो जाए। उसके बाद मैं दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन कर लूँगी और फिर इसको निकाल लूँगी। एक साइड से गोल्डन हो चुके थे माशाल्लाह से, अब मैं इसको दूसरी साइड से भी गोल्डन कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है लाइक दीजिए, आगे शेयर भी कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अच्छा जी, ये बिल्कुल रेडी हो चुके थे, अब मैं इनको निकाल लूँगी और आपको तोड़ के भी दिखा दूँगी कि अंदर से कितनी अच्छी तरीके से पक गए थे ये। बहुत गर्म थे फिर भी मैंने आपको तोड़ के दिखा दिए थे। कलर भी बहुत बेहतर आया था इसका। आप चाहो तो इसको सॉस के साथ, मेयोनीज़ के साथ, जिसके साथ खाना चाहो खा सकते हो, बड़े टेस्टी लगते हैं। देखो बहुत अच्छी तरीके से कोट हो चुके थे और अंदर से पक गए थे। चलती हूँ जी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।